नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि क्रिएशन में। आज हम एक पुरानी शर्ट से एप्रन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शर्ट की जो साइड की सिलाई होती है उसे कट कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कट लगाएंगे। इस तरह कट करके हमें पीछे का जो बैक पार्ट होता है पूरा निकाल लेना है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब जो इसमें ऊंचा नीचा कपड़ा है उसे हम बराबर कर देंगे। इंची टेप की हेल्प से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की साइड। मार्क के पास से इंची टेप को तिरछा रखते हुए हम 12 इंच पे मार्क करेंगे साइड में, और स्केल की हेल्प से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके बराबर कर देंगे। अब इसकी साइड जो खुली हुई है उन्हें हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इसमें मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है शर्ट का हम उसको लेंगे, और सबसे पहले हम जेब निकाल लेंगे। जेब को हमने जो तैयार किया पार्ट है उसके ऊपर सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से जेब अटैच थी उसी तरह से अटैच करेंगे, और बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्ट्रिप निकालेंगे। जो हमारा एक रंग का कपड़ा है हम वही निकाल रहे हैं, इसे बराबर करके बीच से काट देंगे। इसको हम बीच से सिलेंगे और इस तरह से मोड़ते हुए इस पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये टोटल तैयार स्ट्रिप हमें 20 इंच की चाहिए होगी। अब जो दूसरा हिस्सा है उसमें से भी हम एक रंग का कपड़ा जो है वो निकाल लेंगे। इसमें से हम और भी पट्टी कट करेंगे जो कि हम साइड में बांधने के लिए लगाएंगे। एक छोटी एक बड़ी पट्टी को जोड़ते हुए हम 2 लंबी पट्टियां बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने पट्टियां तैयार कर ली हैं, जेब भी मैंने लगा ली है इसमें। तो जो पट्टी मैंने सीधी निकाली थी उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए दोनों साइड हम सिल देंगे, और जो अरेबी निकाली थी उन्हें हम साइड में इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा एप्रन तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।